जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खान सर को लेकर इतना लंबा विवाद क्यों चल रहा है, खान सर को लेकर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, इसकी असली वजह मैं बताता हूं। कुछ ही मिनट तक आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही अपने विचार को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, जो आपको करना है कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट करने में कोई मतलब कि कसर नहीं छोड़ सकता या कोई संदेह नहीं कर सकता है कि खान सर एक बेस्ट टीचर हैं, इसकी गारंटी है। वो किसी भी टॉपिक को विद्यार्थी के दिमाग में कैसे फिट करना है, कैसे समझाना है, इसमें वो माहिर है, इसकी वो जबरदस्त काबिलियत रखते हैं। खान सर हिंदू है, मुस्लिम है, उनका नाम फैजल खान है या अमित सिंह है या विष्णु है, ये विवाद का मामला नहीं है। विवाद का असली वजह यह है कि खान सर अब सिर्फ खान सर नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुके हैं और उन निकम्मों के लिए तो ब्रांड बन ही चुके हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। बेरोजगारों की संख्या तो हमारे देश में ऐसे भी बढ़ चुकी है, जिनके पास खुद का तो कोई टैलेंट नहीं है लेकिन दूसरों के वीडियो को काट काट के दूसरे के बारे में अंड संड बना बना के वो यूट्यूब पे डालते रहते हैं, उसी के जरिए अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। उनके लिए तो आप कमाने का एक जरिया बन गए हैं खान सर, इसीलिए ये सब विवाद हुआ। हमें तो मालूम भी नहीं था, हम तो पढ़ाने में ही व्यस्त रहते हैं, मतलब कि सुबह शाम लाइव क्लास देना, उसका मटेरियल तैयार करना है, फिर एप्लीकेशन के लिए वीडियो बनाना है। ये तो लाइव क्लास के दौरान बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया चैट बॉक्स में कि सर खान सर के ऊपर क्या अफवाह चल रहा है, खान सर भी पर भी वीडियो बनाइए, खान सर को सपोर्ट करिए। हम सोचे खान सर को सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, खान सर तो खुद एक सपोर्ट है युवाओं के लिए, युवाओं की शान है। आज तो युवा उनसे प्रेरित लेता है कि इतने कम उम्र में इतनी तरक्की समाज के प्रति और देश के प्रति जो उनका सोच है काबिले तारीफ है। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि कोई कसर है, निश्चित रूप से वो एक इंडियन है, एक सच्चे हिंदुस्तानी है और जिस भी फैक्ट को वो रखते हैं यूट्यूब पे बड़ा उनके पीछे रिसर्च होता है, बड़ा ही वो मेहनत करते हैं तब जाके हमारे सामने पेश करते हैं। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, उनका वीडियो देखने से ऐसा पता चलता है। लेकिन कुछ निकम्मों के पास, कुछ जाहिलों के पास कोई काम नहीं है, अपना कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए वो किसी दूसरे के वीडियो को काट काट के पेश करेंगे। खान सर एक्सपोज हो गए, खान सर का काला चिट्ठा, खान सर का झूठ पकड़ा गया, फलना ढिमका ये वो, और कोई काम नहीं। लेकिन उससे महामूर्ख वो लोग हैं जो उनके वीडियो को देख देख के मिलियन ऑफ व्यूज पहुंचा देते हैं, उनसे निकम्मे वो हैं। जबकि बार बार समझाते रहते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपको कड़वा लगे लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि अपनी तरक्की में इतना समय लगाओ कि किसी को बुराई के बारे में ना तो सुनने का समय रहे, ना तो देखने का समय रहे, ना तो किसी के बुराई करने का समय रहे। इतना समय अपनी तरक्की में लगा दो, इतना समय अपनी कामयाबी में लगा दो, उनसे प्रेरणा लो कि इतना कम समय में वो आज की पूरे विश्व में कैसे ट्रेंड कर रहे हैं। हमें भी मेहनत करना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, ना कि यही सब में लगे रह जाना चाहिए। यह निश्चित है कि वो एक बेस्ट टीचर है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। वो किस जाति के हैं और कहां से बिलोंग करते हैं ये सब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन विद्यार्थियों के लिए वो एक बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं विद्यार्थियों के हित में। मैं खान सर से भी प्रार्थना करूंगा, मैं इतना फेमस तो नहीं कि वो हमारे वीडियो देख सकें, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि सर आप लगे रहिए। ऐसा होता है, देहाती में कहावत भी है कि जब हाथी चरे बाजार तब कुत्ता भूखे हजार, ये एकदम निश्चित है, गारंटी है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, विद्यार्थियों के हित में काम करते रहे। बहुत सारे का उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ है, यूट्यूब नहीं छोड़ना, हम सभी आपके साथ हैं, लगातार बने रहेंगे। और सभी विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करना है कि उन सब जाहिलों का वीडियो देखना छोड़िए और लगातार किसी टीचर को गुरु बनाइए, मेहनत करिए, अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए, अपने आप को कामयाब करने में पूरी तरीका से लग जाइए, निश्चित है आप सक्सेस होइएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे उनका नाम खान सर हो या अमित सिंह हो, मैं बस इतना जानता हूं कि भाई एक अच्छे शिक्षक हैं और विद्यार्थियों के हित में बेहतर काम कर रहे हैं, बेटर काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।